लेट्स वोट फॉर आईडी एंड बैन। अगर आप लोग अभी के टाइम में पूरे फिर फायर कम्युनिटी के किसी भी यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन को चेक करोगे तो आप लोगों को बस यही कमेंट देखने को मिलेगा, या फिर मैं कहूँ यही स्पैम देखने को मिलेगा, लेट्स वोट फॉर आईडी एंड बैन। क्या आने वाले फ्री फायर इंडिया के साथ साथ जो हमारी पुरानी फ्री फायर की ओल्ड आईडीज हैं जो किसी न किसी रीजन की वजह से बैन हो गई है, क्या वो अनबैन हो जाएंगी? क्या गरीना फ्री फायर हमारी ओल्ड आईडीज को अनबैन कर देगा? हाँ, हो सकता है। कोई नामुमकिन काम नहीं है कि नहीं हो सकता। गरीना फ्री फायर चाहे तो वो अपने गेम के अंदर कुछ भी कर सकती है। देखो, गरीना के कुछ अपने सिंपल से रूल हैं जो कि अपनी जगह ठीक है लेकिन परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करोगे आपकी आईडी बैन, अगर गेम की फाइल के साथ कोई मॉडिफिकेशन करोगे, कोई इसके अंदर छेड़छाड़ करोगे, इवन कोई अपनी कस्टमाइज ड्रेस बनाओगे तो आपकी आईडी बैन। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग दूसरे सर्वर में देखोगे, इंडोनेशिया में देखोगे, वियतनाम में देखोगे, तो वहां पे ये लीगल है। वियतनाम में आप लोग अपनी कोई भी ड्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको गेम की फाइल के अंदर अपलोड कर सकते हैं एंड उस ड्रेस को पहनकर खेल सकते हैं। हालांकि बाकी लोगों को आपकी ड्रेस नहीं दिखेगी लेकिन आपको दिखेगी। लेकिन यहां पर अगर आप लोग इंडिया में ऐसा करते तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, बट वियतनाम में नहीं होगी। तो ये सारे भेदभाव उनको इंडियन सर्वर के साथ ही क्यों करने रहते हैं भाई? देखो, ज्यादातर जो आईडीज रहती है ना हैक यूज करने की वजह से बैन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% जो आईडीज रहती है वो सिर्फ और सिर्फ हैक यूज की वजह से बैन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जितने भी सारे लोग अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, आप में से 95% ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का फ्री फायर अकाउंट फेसबुक अकाउंट से लिंक है, और इसके भी बहुत ज्यादा हाई चांस है कि जिस फेसबुक अकाउंट से आपका फ्री फायर अकाउंट लिंक है ठीक उसी फेसबुक अकाउंट से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक हो। और आप सभी लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों के तीनों मेटा यूनिवर्स का पार्ट है और इन सब का ओनर एक ही है, अपने मार्क जुकरबर्ग भैया। मान लो आप लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पर कोई गलती कर दी, कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी कर दी, आप सोचोगे अगर इंस्टाग्राम चला गया कोई बात नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बना लेंगे, कौन सा पैसे लग रहे हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ आपका इंस्टाग्राम जाएगा तो मेरे दिल के टुकड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस फेसबुक अकाउंट से आपने उस इंस्टाग्राम को लिंक किया था ना, वो फेसबुक अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये दोनों के दोनों मेटा यूनिवर्स का पार्ट है। गलती आप लोग इंस्टाग्राम पर करोगे लेकिन डिसेबल आपका फेसबुक अकाउंट भी हो जाएगा, क्योंकि उसी फेसबुक अकाउंट से आपका इंस्टाग्राम लिंक है। अब आपका जब फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो फ्री फायर आईडी कहां से लॉगिन करोगे? ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे इसमें गरीना की क्या गलती? हां, इसके अंदर गरीना की कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीना चाहे तो इस चीज को फिक्स कर सकता है। सबसे पहले तो गरीना फ्री फायर अपने हेल्प सेंटर को थोड़ा इंप्रूव करे, क्योंकि एक तो जल्दी ये लोग रिप्लाई नहीं देते हैं और अगर रिप्लाई दे भी देंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं देंगे। गरीना फ्री फायर को हेल्प सेंटर में एक स्पेसिफिक ऑप्शन ऐड करना चाहिए कि मेरी फेसबुक आईडी में प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं अपने फ्री फायर आईडी का लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। वहां पे फिर गरीना की टीम उससे यूआईडी ले और यूआईडी चेक करे कि कितने टाइम से आईडी ऑफलाइन है, और जब गरीना की टीम को पता चले कि ये बंदा एकदम लेजिट है, इसने किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया है, फिर उससे आगे कॉन्टेक्ट करे। और जब बंदे ने कोई गलती की नहीं है तो ये गरीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी हेल्प करें। गरीना चाहे तो उसकी फेसबुक आईडी से उसके फ्री फायर आईडी को अनलिंक कर सकता है एंड उसकी फ्री फायर आईडी को जीमेल से लिंक कर सकता है, यानी कि आईडी को ट्रांसफर कर सकता है फेसबुक से जीमेल में, और ये काम गरीना को करने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। गरीना चाहे तो इजीली कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन हुई है। देखो, इनमें तो उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने हैक यूज किया है, लेकिन क्या गरीना फ्री फायर यहाँ पे एकदम ठीक है? बिल्कुल नहीं। आप लोग खुद भी ऐसे बहुत सारे फ्री फायर यूट्यूबर्स को जानते होंगे जो लोग हैक यूज करते हुए पकड़े गए, एक्सपोज हो चुके हैं और अभी भी हैक यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीना फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में। अगर कोई नॉर्मल बंदा हैक यूज करो तो आप उसकी आईडी को बैन कर देते हो, जो कि एकदम बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पे फ्री फायर का कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर जो कि फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में है, वो हैक का यूज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? उसको पार्टनर प्रोग्राम में रखे ही क्यों हो भाई? और देखो, ये बात आप लोग भी एकदम भली बात अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि फ्री फायर के ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि पार्टनर प्रोग्राम में है लेकिन हैक का यूज करते हैं और अभी भी वो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ही है। और कोई एक आधे नहीं, बहुत सारे ऐसे फ्री फायर के यूट्यूबर्स हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में है और हैक का अभी भी यूज करते हैं। बहुत सारे नाम है यार, मैं आप लोगों को इजीली बता सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। देखो, अगर बीमारी की जड़ को खत्म कर दोगे ना तो फिर बीमारी बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हैक की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी नॉर्मल बंदे को, किसी छोटे बच्चे को हैक यूज करने की चाहत कहाँ से जागती है? उसको कैसे पता चलता है कि हैक नाम की भी कोई चीज होती है जिससे हम लोग रेड नंबर मार सकते हैं? कोई बच्चा यूट्यूब पर जाकर देखेगा कि ये भैया हैक यूज कर रहे हैं और पूरे के पूरे रेड नंबर मार रहे हैं, अब तो हम भी इनसे इन्फ्लुएंस होंगे, हम भी हैक का यूज करेंगे, हम भी रेड नंबर मारेंगे। जब एक छोटा सा बच्चा यूट्यूब पर सर्च करके इजिली हैक वाली वीडियो तक पहुंच सकता है जहाँ पे हैक प्रमोट होता हो, जहाँ पे हैक सेल होता हो, जहाँ पे हैक यूज होता हो, तो क्या गरीना फ्री फायर एक ऐसी टीम ही बना सकती है जिसका एक ही काम हो और उनका काम हो यूट्यूब पर रिसर्च करना, यूट्यूब पर देखना कि आखिर कौन बंदा हैक को यूज कर रहा है, कौन बंदा हैक को प्रमोट कर रहा है, कौन बंदा हैक को सेल कर रहा है। और जैसे उस टीम को कोई यूट्यूबर मिलता है जो कि हैक को सेल करता है, हैक को प्रमोट करता है, तुरंत उसके चैनल को शट डाउन कर दो यार। और ये बहुत ही इजी है, सच में बहुत ज्यादा इजी है। अगर गरीना कोई टीम ही बना सकती तो मेरे को ये पावर दे तो मैं अकेला ये काम कर लूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा हैक को प्रमोट कर रहा है, कोई बंदा हैक को सेल कर रहा है, तो वो भी यही चाहता है कि उसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो मैं
खुद इस वीडियो के बारे में सर्च करके उस वीडियो तक क्यों नहीं पहुंच सकता। आप लोग भी सर्च करोगे ना तो आप लोगों को इस टॉपिक पर 1000 वीडियो मिल जाएंगे जो कि रिसेंटली अपलोड हुई होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि कैसे आप लोग हैक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया होगा कि कैसे आप लोग हैक को परचेस कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा हैक को यूज कर रहा है, हैक को सेल कर रहा है, तो वो अपनी वीडियो के अंदर फ्री फायर तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि अगर फ्री फायर को नहीं दिखाएगा तो वो हैक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हैक दिखा ही नहीं सकता। और अगर कोई भी यूट्यूबर अपनी वीडियो में फ्री फायर का यूज करता है, अपनी वीडियो में फ्री फायर को दिखाता है, तो गरीना फ्री फायर के पास पूरा का पूरा राइट रहता है कि उस यूट्यूबर के चैनल को शट डाउन कर सकते हैं, उसको स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि भाई गेम ही गरीना का है। और सच में गरीना फ्री फायर ने अगर ये काम एक बार शुरू कर दिए ना, अगर ये सफाई एक बार शुरू कर दी, तो ये गंदगी दोबारा फैलेगी ही नहीं। लोगों को पता होगा कि हम लोग अगर हैक की वीडियो डालेंगे, हम लोग अगर हैक को प्रमोट करेंगे, तो भाई गरीना फ्री फायर हमारे चैनल को शट डाउन कर देगी, इसलिए वो लोग फालतू की मेहनत करेंगे। तो जब कोई हैक की वीडियो डालेगा नहीं, तो मतलब कोई हैक की वीडियो देखेगा ही नहीं, और जब कोई हैक की वीडियो देखेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कोई हैक का यूज करेगा ही नहीं। क्या बात है सर। देखो यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई ना, अगर गरीना फ्री फायर इन पर काम करे तो फ्री फायर के अंदर हैक 0% रह जाएगा, फ्री फायर में हैक का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें गरीना का ही फायदा है ना, क्योंकि जब गेम में हैक का यूज नहीं होगा तो गेम का और भी ज्यादा नाम होगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी तरीके हैं जिनका यूज करके गरीना फ्री फायर के अंदर से हैक का एकदम नामो निशान मिटा सकती है। गरीना फ्री फायर कभी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंची नहीं है, गरीना फ्री फायर हैक को डिटेक्ट करती है, फिर एक एक करके आईडी को बैन करती है। लेकिन अगर गरीना फ्री फायर प्रॉब्लम की जड़ को खत्म ही कर देगी तो लोग हैक का यूज कर ही नहीं पाएंगे। देखो हो सकता है आप लोगों की भी फ्री फायर आईडी बैन हो चुकी हो, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पैसे लगाए हो, बहुत ही ज्यादा टॉपअप किया हो, लेकिन वो आईडी आपकी एक गलती से परमानेंटली बैन हो गई है। तो मेरे पास एक ऐसा तरीका भी है जिससे आपकी आईडी इजीली अनबैन हो सकती है, लेकिन उसके लिए गरीना का साथ चाहिए। लेकिन गरीना फ्री फायर वाले तो टाइम पे रिप्लाई भी नहीं करते, साथ कहां से देंगे बताओ। सब कुछ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना, एक ही वीडियो में बताना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊंगा नहीं, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, और पूरी डिटेल में बताऊंगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर इसी वीडियो में मैंने सब कुछ शॉर्ट में बता दिया तो एक तो आप लोग ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे और वीडियो भी बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के फ्री फायर आईडी बैन है लेकिन आप चाहते हो कि आपकी आईडी अनबैन हो जाए, तो मैं जल्दी एक और वीडियो लाने वाला हूं इस टॉपिक पर, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोगों को कोई मेरी बात गलत लगी, कोई मेरा पॉइंट गलत लगा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा जरूर। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात से एकदम अग्री करते हो और आप लोगों को मेरे सारे के सारे पॉइंट एकदम ठीक लगे, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस देखने को मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो तभी मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जिससे आप लोगों की आईडी अनबैन हो सकती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप लोग जल्दी से जल्दी वो वीडियो को देख पाए। तब तक के लिए मेरे दिल के टुकड़े, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ।